सुना होगा फैजल एंड शाबाना फाउंडेशन, जो इंटरनेशनल फाउंडेशन एक है, ये हमारा ख्वाब भी था कि हम एक ऐसा स्कूल बनाएंगे सेंट्रल ऑफ एक्सलेंस, जहां पे हमारे किंडरगार्डन से ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक बच्चे हों और हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो इसमें। ये सिर्फ ऑनली नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर विज़ाविज़ द बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर विज़ाविज़ स्कूल ट्रेनिंग्स, टीचर ट्रेनिंग्स, एज वेल एज द गैप एनालिसिस एंड गिविंग ए एटमॉस्फेयर जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट एक बच्चे की हो, एक ऐसा कंजीनियल एटमॉस्फेयर बच्चे को मिले जहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये ऐसा मॉडल बने जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जोन में ऐसा मॉडल बने। यहाँ हमने क्यों शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी ठीक है, यहाँ से ही सब लोग देख पाएंगे। सपोज विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम कुपवारा और अनंतनाग के, तो वहाँ ये सब लोग इसको विजिबिलिटी उन जगहों पे नहीं होगी, इसलिए यहाँ शुरू किया है क्योंकि यहाँ ज़बरदस्त विजिबिलिटी है और इस प्रोजेक्ट को हम आगे चलाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टर साहब, एनरोलमेंट ड्राइव आपने शुरू की थी, क्या नतीजे उसके निकले हैं, किस तक अगर देखें हम तो रुझान देखो बढ़ रहा है। जो हमने एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया हुआ है, अगर मैं आप मेरे पास लाइव डाटा इस वक्त आ रहा है, इस वक्त 40,358, ये मैं लिंक आपके साथ भी शेयर करूँगा, 40,358 इस वक्त तक एनरोल हुए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पास डाटा है, आई विल बी शेयरिंग दिस लिंक विद यू, आप रोज इसको देखा करें कि किस तरह से रियल एनरोलमेंट हो रही है इसमें। कोई अगर सपोज हमारे ही स्कूल का कोई बच्चा फिर से दर्ज होगा, ये वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट जो इस पे हैं। जो स्टूडेंट इस सपोज कोई स्टूडेंट सेवन्थ से एक मिडिल स्कूल से दूसरे मिडिल स्कूल में आ जाए, वो ही विल नॉट बी एनरोल्ड। जो नए एनरोलमेंट्स है, दोज आर ओनली बींग रजिस्टर्ड। सर, आई वुड लाइक टू ऐड टू हिज क्वेश्चन। सर, आपने एक डाटा निकाला है कि प्राइवेट स्कूल से शिफ्ट हो रहे हैं बच्चे, सर उसमें एक सर ये इशू आ रहा है कि वो बजट स्कूल से शिफ्ट हो रहे हैं तो गवर्नमेंट वहाँ पर फी बकाया रख के वो गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये भी मैंडेटेड नहीं कि वहाँ से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले, वो वहाँ पर फी बकाया रख के गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन कर, जिससे हमारा अपना ही लोकल जो यूथ वो जो स्कूल चलाते हैं उनका नुकसान हो रहा है। देखिए, ऐसे बच्चे हैं जो 8,000 के करीब प्राइवेट स्कूलों के से हमारे बच्चे आएगी, वो भी हमने उनको ये कहा है कि फी शुड नॉट बिकम द पॉइंट कि हम बच्चों को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं देंगे, दैट शुड नॉट बी। हाँ, इन इजी इंस्टॉलमेंट्स हम स्कूल वालों से ये कहते हैं, इजी इंस्टॉलमेंट्स में जब उनकी कैपेबिलिटी, पेइंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो इजी इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, लेकिन वो सर्टिफिकेट इनको बंद रखें और वो पढ़ाई हासिल ना करें। सो वी हैव डायरेक्टेड आवर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो भी बच्चा जिस क्लास से आता है उसको एडमिट करिए, इररेस्पेक्टिव वेदर ही गेट्स दिस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आर नॉट। सर, एकेडमिक सेशन नया स्टार्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट हुआ है। प्राइवेट स्कूल सर फिर से वही अपनी मनमानी, अपना डोनेशन, एनुअल चार्ज एडवांस में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो टेक्स्ट बुक जो होती है स्पेसिफिक बुक शॉप्स अवेलेबल होती है, यूनिफॉर्म स्पेसिफिक शॉप्स अवेलेबल होती है, सर क्यों गवर्नमेंट मतलब। देखिए, आपने मुझे कल भी ये सवाल कहा था, जहाँ भी हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आती है तो वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ, जो वी विल बी टेकिंग एक्शन। मैंने ऑल सीओज एंड जेडीओज हैव बीन डायरेक्टेड, ऐसी कोई भी शिकायत आई तो इस पे कार्रवाई की जाए। लेकिन आपको पता है हमने पिछले साल सितंबर में, अगस्त में ऑर्डर निकाला कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो बोर्ड से ली जाएंगी। इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी कि हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन थे, जेके बोस के चेयरमैन, वो रिसेंटली ज्वाइन किया हो, नाउ दिस विल ये स्पेस पकड़ेगा और वी वेर कंसंट्रेटिंग ऑन द एग्जामिनेशन अब कल्मिनेट होने जा रहे हैं, तो विल बी एक्टिंग वेरी टफ अगेंस्ट दोस।